शिकारी जानवर अपने शिकार को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने शिकार के नजदीक जाकर उसे पकड़ने का कोई मौका ये नहीं छोड़ते, चाहे वो इनसे बड़े हों या छोटे। चलिए आपको दो ऐसे ही वीडियोस दिखाते हैं जिनमें शिकारी जानवर बेरहम हत्यारे बन जाते हैं। हाइना वर्सेस राइनो। राइनो एक मोटी चमड़ी वाला जानवर है, इसलिए हाइना जैसे छोटे जानवरों के लिए राइनो को अपने दांतों से काटकर घायल करना लगभग नामुमकिन है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक राइनो की पूंछ नहीं है और वहां का मांस साफ दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि यहां हाइनाज ने राइनो की पूंछ को नहीं काटा है। राइनो को पहले से ही किसी कारणवश चोट लगी हुई है और इस चोट का फायदा हाइनाज उठाती है। वे बार बार राइनो को चोट वाली जगह पर काटने लगते हैं, जिससे राइनो परेशान होकर गोल गोल घूमने लगता है। पर हाइनाज राइनो को काटना बंद नहीं करते, जिसके बाद अंत में राइनो को हार मानकर जंगल में भागना पड़ता है। क्रोकोडाइल वर्सेस ग्रे लैंगूर। दोस्तों, हम ये सभी जानते हैं कि अगर एक बार कोई जानवर मगरमच्छ के जबड़ों की पकड़ में आ जाए तो उसका बच पाना असंभव है। लेकिन मरने वाले जानवर के मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती है कि उसकी जान बच सकती है, और इसलिए वो अपनी अंतिम सांसों तक बचने की कोशिश करता रहता है। हमारी इस क्लिप में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ एक लंगूर पानी पीने के लिए नदी के पास आता है और तभी पानी में घात लगा कर बैठा मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है और उसके एक हाथ को अपने जबड़ों में दबोच लेता है, जिसके बाद लंगूर शुरू में काफी देर तक ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। लेकिन जब मगरमच्छ उसे अपने साथ पानी में खींच कर ले जाने लगता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए काफी छटपटाता है और पास के पत्थरों को कस कर पकड़ लेता है। इसके बाद मगरमच्छ उसे खींचना बंद कर देता है। काफी देर तक दोनों इसी पोजीशन में बने रहते हैं और कैमरा रोल होना बंद हो जाता है। इसके बाद क्या लंगूर की जान बच पाती है? ये मगरमच्छ अपनी भूख मिटाने में सक्सेसफुल हो जाता है? क्या लगता है आप? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।